हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मथुरा की स्पेशल क्विक स्वीट डिश की रेसिपी, जो है ये मावा पेड़े। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनके तैयार होंगे। अब चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 200 ग्राम चीनी ली है, 250 ग्राम यहाँ पे हमने मावा लिया है और आधा कप यहाँ पे हमने दूध लिया है। फ्रेंड्स, आप मावा घर का भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बाहर का बनाया हुआ मावा लिया है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें अपने मावा को 3 से 4 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। फ्रेंड्स, हमें अपने मावा को चलाते हुए भूनना है ताकि कढ़ाई के तले में ना चिपके। फ्रेंड्स, देखिए जब 2 से 3 मिनट हो गए हमारे मावा को भूनते हुए, तो अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। दूध डालने से हमारे मावे का टेक्सचर बिल्कुल दानेदार आएगा, जैसे हलवाइयों के यहाँ मिलता है। फ्रेंड्स, देखिए हमने आधा दूध पहले ऐड करा और आधा दूध हमने अब ऐड करा जो बच गया था। हम इसे चलाते रहेंगे और अपने मावा को अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, जितनी अच्छी तरीके से हमारा मावा भुनेगा, उतनी ही अच्छे हमारे पेड़े बन के तैयार होंगे, इसलिए हमें लगातार इसे 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे मावा का कलर चेंज हो चुका है, तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। यहाँ पे हमने 250 ग्राम मावा के लिए 200 ग्राम चीनी इसमें ऐड करी है। चीनी आप कम बढ़ती अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि जब हमने चीनी डाली है वो भी इसमें मेल्ट हो जाए। हमें इसमें फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में ही रखनी है। फ्रेंड्स, देखिए मावे के जो किनारों में हमें बबल्स दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े, ये इंडिकेशन है कि हमारे पेड़े बनाने के लिए ये मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके साइड में कॉर्नर में बबल्स आ रहे हैं ना, यही है इसकी इंडिकेशन। फ्रेंड्स, जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाएगी तो हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे बंद रख देंगे कढ़ाई को। हमें कढ़ाई को ऐसे ही नहीं रखना है, गैस फ्लेम ऑफ करने के बाद भी हमें इसे लगातार चलाते रहना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी और थोड़ी थिक ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा ये मिक्सचर हल्का गुनगुना हो तो हम इसके पेड़े तैयार करेंगे। इसे बिल्कुल ठंडा नहीं हमें करना है, हल्का गुनगुना होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सॉफ्ट ये लग ही रहे हैं। हम आपको 2 पेड़े यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमने इन्हें नॉर्मल शेप दे दी है और बीच में से इनमें थोड़ा सा गैप कर दिया है ताकि हम इसमें ड्राई फ्रूट लगा सकें। फ्रेंड्स, हमने इसे सजाने के लिए बादाम लगाया है चॉप, आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये देखिए फ्रेंड्स, इतने मावा में हमारे इतने सारे पेड़े बन के तैयार हो गए। ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे मुंह में घुलने वाले दानेदार पेड़े। फ्रेंड्स, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश है। एक बार आप हमारी बताई गई रेसिपी से इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें। थैंक यू।